कैबिनेट के साथी थे, वह बहुत विकासवादी सोच के व्यक्ति थे। उन्होंने अमरोहा ही नहीं प्रदेश के विकास में, देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है। आज उनके नाम से हमने अमरोहा जनपद में सड़क का नामकरण किया है। सवाल मेरा यह है कि सरकार ने घोषणा की थी कि जो यूपी के टॉपर बच्चे हैं उनके घर में सड़क बनाई जाएगी। हाँ, सड़क बनाने के लिए मंत्री सरकार के विशेष तौर से काम कर रहे हैं, जिसमें जो टॉपर बच्चे हैं टॉप 20 उनके घरों तक हाई स्कूल इंटर में जो टॉप करता है, CBSE बोर्ड के कॉलेज हों चाहे ICSE बोर्ड के हों, इस साल से उनको भी शामिल किया है। तो मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पदक जीत करके ले आते हैं ऐसे खिलाड़ियों के घर तक, और जो हमारे देश के लिए बलिदान होने वाले सैनिक हैं उनके सैनिकों के घर तक गौरव पद का नाम देते हैं। मेधावी बच्चों के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गौरव पद, और जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके लिए जो नाम देते हैं मेजर ध्यानचंद्र विजय पद, और जो हमारे बलिदानी सैनिक हैं जय हिंद वीर पद के नाम से मार्ग का निर्माण। देखिए मंत्री जी, अभी तक बने नहीं, 2 साल हो गए हैं उन बच्चों को, जो बच्चे कोई ऐसा बच्चा होगा तो आप हमारे जिलाध्यक्ष जी को, हमारे प्रभारी मंत्री जी को, हमारे विधायक जी को, पूरे प्रदेश जो हैं कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कोई ऐसा होगा आप दे दीजिएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसके लिए ना पैसे की कमी है और ना कमी होने देगा। अच्छा, एक सवाल मुख्यमंत्री का बयान आया है कि यूपी में अब निर्माण योजनाओं के लिए ऑर्डर बनेगा, ये तो हम पारदर्शिता लाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ बसपा और जो है मिलकर चुनाव लड़ने वाली, सब मिलकर के लड़कर के सब देख लिए हैं, लेकिन अब आप समझते हो उनका भविष्य बहुत संकट में है, इसलिए वो इस प्रकार के मैसेज देने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि चेतन चौहान जी को सच्ची श्रद्धांजलि नौगांव क्षेत्र की जनता देगी। ठीक है सर, धन्यवाद। रेलवे ओवरब्रिज भी बनाने की घोषणा कर रहे हैं, उसके लिए भी तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अभी सेतु निगम से संबंधित अधिकारी उनको निर्देश दे दिया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर विकास तीव्र गति से हो रहा है, जो गुंडे माफिया अपराधी हैं, भूमाफिया हैं, उनके खिलाफ जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो प्रभावशाली ढंग से चल रही है, आगे भी होती रहेगी। हमारा लक्ष्य गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश हो, भयमुक्त रह करके लोग अपना जीवन यापन करें, और सर्वांगीण विकास, सभी जिलों का विकास, सभी क्षेत्रों का विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। धन्यवाद। किसानों ने यहाँ तो उसको लेकर देखिए, किसानों को विपक्ष मुद्दा विहीन है और वह किसानों को गुमराह कर रहा है। मैं किसान का बेटा हूं और किसान का दर्द भी जानता हूं, और मैं पूरे दावे के साथ यहां पर कह रहा हूं, जब तक देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, ना तो गरीबों का हित हो सकता है ना किसानों का हित हो सकता है। और यह जो कृषि सुधार विधेयक है, इस विधेयक के आधार पर किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। धन्यवाद। देखिए, जो मैंने कहा विपक्ष बेरोजगार है और उनको 14, 17 और 19 की हार से भी अभी सबक नहीं मिला है, तो अभी उपचुनाव में और 2022 के चुनाव में जनता सबक सिखाएगी।